हेलो फ्रेंड्स खुशी नीटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज हम ये आठ नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं और ये देखिए हमने स्टार शेप में बनाई है बना हुआ बहुत ही प्यारा बना है और जल्दी से भी बनकर कंप्लीट होता है और देखिए ये देखने में जितना मुश्किल है बनाना उतना ही आसान है और देखिए राइट साइड से ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में बनाया है और देखिए रोंग साइड से देखिए रोंग साइड से अगर देखें तो हम देखिए कितनी प्यारी हमारी ये रोंग साइड से भी हमारी कितनी प्यारी बनी हुई है देखिए अगर आप चाहे तो इसे रोंग साइड से बनाइएगा अगर आप चाहे तो इसे सीधी साइड से देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनी है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए आठ नंबर के लड्डू गोपाल जी की हमने चोली बना ली है अगर आपको बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख आप ये चोली बना सकते हैं तो चोली बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए तो चोली के एंड में हमारे पास यहाँ पर थर्टी टू डबल क्रोशिया है जिसके ऊपर हम अब घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे तो चोली बनाते हैं देखिए फर्स्ट चेन के अंदर हमारे पास एक डबल क्रोशिया है नेक्स्ट चेन में हम दो बनाएंगे तो ये हमने फर्स्ट चेन में तीन तीन चेन बनाई है फर्स्ट चेन के अंदर अब हम सेकेंड चेन में हैं तो इसमें हम दो बनाएंगे एक बनाया एक और बनाएंगे तो ये टोटल हमारे पास दो चेन हो दो डबल क्रोशिया हो गया फिर नेक्स्ट चेन में हम एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट चेन में दो बनाएंगे यानी हम हर सेकंड चेन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये हमारी सेकंड चेन है इसके अंदर हमने दो बार बनाया फिर से हम फर्स्ट चेन के अंदर एक बार बनाएंगे सेकेंड चेन के अंदर हम दो बार बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे तो ये हमने देखे दो बार बनाए फिर से हम एक बार बनाएंगे और सेकंड चेन में हम दो बार बनाएंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे हर सेकंड चेन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए हमने थ्री चेन थ्री की चेन बनाई थी तो यहाँ पर हमारे पास दो डबल क्रोशियाँ है तो हम इसे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे एक दो तीन थर्ड चेन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करें देखिए अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः देखिए हमने स्टार्टिंग में छः चेन बनाई है और अगर हम गैपिंग के लिए करेंगे तो यहाँ पर हमने पांच चेन गैपिंग के लिए ली है एक चेन हमने इसके साथ ज्वाइंट करने के लिए छोड़ दी है तो इसलिए हमने यहाँ पर छः चेन ली है तो यहाँ पर हम तीन चेन छोड़ेंगे एक दो तीन और फोर्थ चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से फिर से एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन बनाई है एक दो तीन चार पाँच पाँचवीं चेन के सॉरी तीन चेन छोड़नी एक दो तीन और फोर्थ चेन के अंदर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है फिर से एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चेन छोड़ेंगे और फोर्थ चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे तो इस तरह से बनाते हुए पांच चेन लेंगे और नीचे हम तीन चेन छोड़ के फोर्थ चेन में से ज्वाइंट करेंगे और इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और एंड में भी हमारे पास देखिए एक दो तीन चेन बची हैं और ये फोर्थ चेन है फोर्थ चेन के अंदर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे और देखिए फोर्थ चेन के देखिए यहाँ पर ये हमने जो फोर्थ चेन है इसमें हमारा ये हमने जो लूप बनाया था वो आया है तो फोर्थ चेन की जो ये हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसके अंदर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अगर हम ये पैट ये जो लूप बने हैं हमारे इन्हें काउंट करेंगे तो यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हमारे ये लूप बन कर आए हैं अब हम इन पर बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये हमने लूप के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया धागा लेंगे फिर हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये एक हो गया अब हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच देखिए पांच बार हमने डबल क्रोशिया बनाया अब हम इसमें देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेंगे और यहाँ पर हमने देखिए पहले हाफ़ डबल हाफ क्रोशिया हाँ बनाया था फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था फिर हमने पांच डबल क्रोशिया बनाया तो पांच डबल क्रोशिया से पहले हमने हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया था तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया में हम तीनों धागों से एक साथ निकाल देंगे और फिर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से ये हमारा लूप बन गया है अब हम देखिए इसे यहाँ पर जो ये हमने यहाँ पर देखिए ये सिंगल क्रोशिया किया था इसके अंदर भी हम एक बार इसे इस तरह से बनाएंगे स्लिप स्टिच करेंगे सॉरी यहाँ पर हमने देखिए इसे स्लिप स्टिच किया है फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी हम हाफ डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे धागा लेंगे और हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम यहाँ पर पाँच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया दो तीन चार अब यहाँ पर हम हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हमने ये यह जो यहाँ पर हमने बनाया था इसके अंदर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और फिर से हम इसमें दोबारा यही पैटर्न रिपीट करेंगे तो बनाते हुए हम रो कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच किया है अब देखिए यहाँ पर हम दो चेन बनाएंगे एक दो, दो चेन बना ली है अब हम देखिए इसे इस तरह से करेंगे और जो ये नीचे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था तो इसके अंदर हम इस तरह से फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है और अब हम इसमें देखिए यहाँ पर चेन बनाना स्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और सात बार हमने चेन बनाई है तो एक बार और बनाएंगे ये आठ हो जाएंगी, आठ चेन बनाने के बाद देखिए हम यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर ये हमने आठ चेन बनाई है सिंगल क्रोशिया बनाया है फिर से हम आठ चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ चेन बनाने के बाद फिर से हम देखिए इसके नीचे से निकालेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए इस तरह से आठ आठ चेन बनाते रहेंगे और हम यहाँ पर ज्वाइंट करते रहेंगे ये अलग से देखिए हमारा ये लूप दिखाई देगा यहाँ पर हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे आठ आठ चेन बनाकर इस तरह से तो राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी तो यहीं पर हम एक बार और इसे स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से जैसे हमने ये वाली पत्तियाँ बनाई थी सेम ऐसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे पहले हम चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर धागा लेंगे और हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम इसमें नौ बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये देखिए नौ बार हमने डबल क्रोशिया बनाया अब हम धागा लेंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तीनों धागों को एक साथ कंप्लीट करेंगे फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये हमारा बन गया अब हम देखें इसमें धागा इसमें हम इस चेन के अंदर ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे धागा नहीं लेंगे नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाया फिर हम धागा लेंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम नौ बार यहाँ पर डबल क्रोशिया गर बनाएंगे एक बार हमने बना लिया है देखिए नौ बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है फिर से हम धागा लेंगे हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से अब देखिए ये जो हमारी चेन है नेक्स्ट चेन है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से फिर हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे तो यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर हम देखिए जो ये एक चेन में हमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में हमें इस तरह से नौ बार डबल क्रोशिया बनाना है फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करके फिर हमने नेक्स्ट चेन में चले जाना है इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो बना लेते हैं देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देखिए हम लास्ट में है लास्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर हम फिर से नेक्स्ट जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 12 लूप थे तो 12 में हमने एक एक चेन नीचे छोड़ी है और एक एक चेन के अंदर हमने पत्तियाँ बनाई हैं तो ये टोटल हमारे पास छः बार ये पत्तियाँ बनकर आई है ये पत्ती हमारी छः बनी है अब हम इसे देखिए धागे को स्लिव स्टिच करते हुए ऊपर नौवें चेन पे आएंगे यहाँ पर देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया बनाया फिर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया इसके बाद हमने ये नौ डबल क्रोशिया बनाए थे तो हम चार छोड़ देंगे एक दो तीन चार और जो ये पाँचवीं चेन है यहाँ तक हम स्लीव स्टिच करते हुए आएंगे तो देखिए इस तरह से हम स्लीव स्टिच करते हुए धागे को ऊपर लेकर आएंगे पाँचवीं चेन तक पाँचवीं चेन पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे नीचे फिर हम पाँच चेन छोड़ देंगे जो हमने डबल सॉरी डबल क्रोशिया बनाया था चार और पाँचवीं में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था और जो छठी चेन है यहाँ पर हमने इसे स्लिप स्टिच किया था तो यहाँ से हम बनाते हुए बीच में सेंटर में आ गए हैं तो यहाँ पर अब हम देखिए चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह चेन हमने बनाई है और यहाँ पर देखिए अब हम इसे यहाँ पर काउंट करेंगे फिर से हम पाँचवीं चेन पर जाएंगे यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशिया था फिर हमारा हाफ डबल क्रोशिया एक दो तीन चार और पाँच यहाँ पर हमारा पाँचवीं चेन है तो पाँचवीं चेन के अंदर हम इस तरह से इसे ज्वाइंट करेंगे ये नौ बार हमने डबल क्रोशिया बनाया था चार हमारे यहाँ पर रह गए चार हमारे यहाँ पर और पाँचवीं चेन में हमने इसे सिंगल क्रोशिया किया है तो ये देखिए हमारा बीच में आ गया है ग्यारह चेन हमने इसमें बनाई है फिर से हम इसमें ग्यारह चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और फिर से हम इसे सेंटर में सेंटर वाली चेन में ज्वाइंट करेंगे एक दो यहाँ से एक दो तीन चार पाँच पाँचवीं चेन के अंदर हम इसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो छः चेन होंगी हमारी चार हमारी ये डबल क्रोशिया की एक हमारी हाफ डबल क्रोशिया की एक हमारी सिंगल क्रोशिया की तो, तो टोटल छः चेन हम यहाँ पर छोड़ के और सातवीं चेन में से हम ज्वाइंट कर रहे हैं अगर हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो हम पाँचवीं चेन के अंदर इसे हम ज्वाइंट करेंगे तो देखिए इस तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम इसे यहाँ पर फर्स्ट जहाँ पर हमने इसे ज्वाइंट किया था सेम प्लेस पर ही स्टार्टिंग की थी जहाँ पर वहाँ पर ही हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे वन चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे देखिए धागा ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर बीच में हम धागा ज्वाइंट करेंगे चेन के देखिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट धागा ज्वाइंट करेंगे चेन के अंदर हम यहाँ पर इस तरह से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाई धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे ये हमने दो बार डबल क्रोशिया हो गया ये तीन इस तरह से बनाते हुए हम इसके अंदर बारह डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए चार हमने बना लिए हैं आठ और बना लेते हैं अब देखिए बारह बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे एक दो दो बार हमने चेन ली धागा लेंगे और फिर से हम नेक्स्ट लूप के अंदर बारह डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार बनाया दो तीन तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसमें फिर से बारह डबल क्रोशिया बना लेंगे देखिए बारह डबल क्रोशिया हो गया है फिर से हम दो चेन लेंगे और हम यहाँ पर फिर से बारह बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तो इस तरह से देखिए बारह बारह डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है अब हम यहाँ पर दो चेन लेंगे और देखिए थर्ड चेन के साथ स्लिप स्टिच करेंगे देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है अब हम यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन बनाई धागा लेंगे और यहाँ पर हम ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे बैक पोस्ट बनाने के लिए देखिए हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से क्रोशिया के डबल क्रोशिया के पीछे से निकालेंगे और हम इस तरह से बनाएंगे ये हमने तीन बनाए फिर नेक्स्ट बनाएंगे फिर से नेक्स्ट ये जो हमने बारह डबल क्रोशिया बनाया था इन्हें हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे देखिए हमने ये बारह जो डबल क्रोशिया था ये हमने बैक पोस्ट बना लिया है अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागा लेकर देखिए यहाँ पर जो हमने ये दो चेन बनाई थी यहाँ पर हम पफ बनाएंगे एक बार धागा लिया दो तीन चार चार बार हमने इसमें धागा निकाला है फिर हम इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे फिर इस धागे को लूप पे लेंगे और हम इस तरह से बनाएंगे अब ये हमारे पास तीन धागे गए तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे और अब हम फिर से यहाँ पर एक और पफ बनाएंगे यहाँ पर फिर से हम एक चेन लेंगे और धागा लेंगे और हम एक और पफ बनाएंगे धागा लेंगे एक दो तीन चार चार हो गए फिर हम यहाँ पर इस धागे को पकड़ेंगे और इन्हें हम एक साथ सभी धागों में से निकाल के कंप्लीट करेंगे फिर हम इस धागे को हुक पे लेंगे और हम इसे इस तरह से बनाएंगे और फिर इस इन दोनों को भी हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरह से ही हमारे दो पफ बन गए हैं अब हम धागा लेंगे और फिर से हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे ये जो नेक्स्ट हमारे बारह डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे एक बन गया सॉरी यहां पर हमने एक चेन भी बनानी है सॉरी यहां पर एक चेन बनाएंगे हम पहले एक चेन लेंगे धागा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर ये जो बारह डबल क्रोशिया है इन्हें हम इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छी तो देखिए इस तरह से हम सभी डबल क्रोशिया में ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमने ये दो दो चेन बनाई है यहाँ पर हम इस तरह से पफ बनाएंगे और राउंड कंप्लीट देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और एंड में हमने देखिए इस सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ पर पफ बनाया था सेम वैसे ही हमने यहाँ पर पफ बनाया है अब हमने यहाँ पर एक चेन बना ली है और अब हम इसे थर्ड चेन के साथ स्लिव स्टिच करेंगे देखिए इस तरह से हमने इसे थर्ड चेन के साथ स्लिव स्टिच किया अब हम तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन धागा लेंगे और यहाँ पर ये हमारे ग्यारह डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम बैक पोस्ट बनाएंगे बैक पोस्ट हम पीछे से डब क्रोशिया हुक निकालेंगे डबल क्रोशिया के और हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो हम ये बारह बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हैं हमारे बार बना लेते हैं देखिए ये चार हमने बना लिए हैं आठ और बना लेंगे देखिए हमने ये बना लिए हैं अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर धागा लेंगे और ये जो हमने दोनों पफ बनाए थे इनके बीच में हमने एक चेन बनाई थी इसके अंदर हम बनाएंगे चार बार धागा लेंगे और जैसे हमने ये नीचे पफ बनाए थे सेम वैसे ही बनाएंगे एक बार लिया दो तीन चार चार बार ले लेंगे फिर हम इस धागे को यहाँ से पकड़ेंगे और एक साथ हम इन्हें कंप्लीट करेंगे फिर हम इस धागे को लेंगे क्रोशे हुक के ऊपर और हम इसे इस तरह से बनाएंगे और दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे फिर हम एक चेन लेंगे और धागा लेकर फिर से हम इसी जगह पर पफ बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार हमने धागा ले लिया है अब हम इसे यहाँ से पकड़ेंगे और एक साथ इसे कंप्लीट करेंगे और फिर हम इस धागे को लेंगे हुक पे और फिर से हम इस तरह से बनाएंगे ये कंप्लीट हो गया एक चेन लेंगे और फिर से हम ये हमारे बारह डबल क्रोशिया हैं इन्हें हम बारह को बैक पोस्ट बनाएंगे और देखिए इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है सेम ऐसे ही बनाते हुए हम इसके तीन बार तीन रो बना लेंगे एक दो दूसरी रो में हम है एक रो और बना लेंगे तो ये टोटल हमारी तीन हो जाएंगी तो बनाकर कंप्लीट करते हैं फिर आगे, आगे आपको बताएंगे देखिए तीन राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम इसके फोर्थ रो में हैं और फोर्थ रो देखिए यहाँ पर हमने ये बारह डबल क्रोशिया बना लिया है बैक पोस्ट से अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे आगे तीन चेन पर एक चेन लेंगे और धागा लेकर देखिए यहाँ पर हम दो बार पफ बनाते हैं इस बार हम तीन बार पफ बनाएंगे तो बनाएंगे देखिए एक दो तीन चार चार बार हमने पफ बनाया धागा लिया अब हम इसे यहाँ पर धागा लेंगे पकड़ेंगे और इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे फिर हम यहाँ पर इस धागे को क्रोशे हुक पर लेकर इस तरह से बनाएंगे और फिर इन दोनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक और पफ बनाएंगे चार बार धागा लेंगे एक बार ले लिया है फिर से लेंगे दो तीन चार कंप्लीट करेंगे देखिए कंप्लीट हो गया एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे एक दो तीन चार एक साथ कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से अब ये देखिए हमारे इस राउंड में तीन बार पफ हो गया है तो पूरे राउंड में हम इसी तरह से तीन तीन पफ बनाएंगे और बीच में जो हमारे बारह बैक पोस्ट हैं इन्हें हम बारह पर बारह बैक पोस्ट बनाएंगे और जहाँ पर ये दो पफ हैं हमारे यहाँ पर हम तीन तीन पफ बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखें इसके नेक्स्ट राउंड में है इसमें हम देखिए अब किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर जो ये हमारी थ्री चेन बनाई थी हमने इसके अंदर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे और यहाँ पर देखिए अब हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है अब हम इसे टर्न करेंगे और देखिए यहाँ पर जो ये हमने एक चेन बनाई है यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स्ट चेन में जाएंगे ये देखिए जो हमने ये लूप बनाया था सॉरी पफ बनाया था इसकी चेन के अंदर जाएंगे यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर जो हमने ये एक चेन ली है यहाँ पर लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे अब देखिए इसे हम सीधा करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और जो ये हमारा देखिए ये यहाँ पर हम आ गए हैं जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी तो अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम पहले तो देखिए अब ये हमारा इस तरह से बना है हमारी ड्रेस तो इसमें हम अब क्या करेंगे इसमें हम अलग अलग पत्तियाँ बनाएंगे ये जो हमारी पत्ती बनेंगी ये हम अलग अलग बनाएंगे तो यहाँ पर हमने इसे ज्वाइंट किया था तो ज्वाइंट करने के बाद हम स्लीव स्टिच करते हुए यहाँ पर बीच में आ गए हैं अब हम यहाँ पर इतने में एक पत्ती पहले अलग बनाएंगे तो अब बनाते हैं देखिए अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम एक बार और इसके अंदर हम देखिए धागा थोड़ा सा लूज़ किया हमने इसके अंदर फिर बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार धागा लिया यहाँ से लेंगे और इसे हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया एक चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर एक बार और पफ बनाएंगे एक दो तीन चार फिर से धागा ये यह हम यहाँ से पकड़ेंगे और इन सभी में से धागे में से निकालेंगे और ये लास्ट है इसे हम इस तरह से बनाएंगे और इसमें से निकाल देंगे ये हमारा पफ बन गया देखिए जो हमने एक पफ ये तीन पफ बनाए थे इनमें से हमने एक के बीच में दो पफ बनाए हैं अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और धागा लेंगे देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बारह फ्रंट बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है इन बारह पर हम दस बनाएंगे उसके लिए हमने जो ये थ्री की चेन बनाई थी इसे हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट में हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम दस बैक पोस्ट बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देखिए एक हमने स्टार्टिंग का छोड़ दिया था देखिए यहाँ पर एक हमने ये स्टार्टिंग का छोड़ा है एक लास्ट का तो बारह में से हमने दो छोड़ दिए ये हमारे पास दस बैक पोस्ट आ गए हैं अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, धागा लेंगे और ये जो हमारा पहला लूप है इसके अंदर हम पफ बनाएंगे एक दो तीन चार धागा पकड़ेंगे और इन सभी को एक साथ कम्प्लीट करेंगे फिर इस धागे को हम क्रोशिए पर लेंगे और बनाएंगे और कम्प्लीट करेंगे एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार फिर से धागा पकड़ेंगे और सभी लूप को एक साथ निकाल लेंगे इसे बनाएंगे इस तरह से फिर हम यहाँ पर दो चेन बनाएंगे एक दो इसे हम टर्न करेंगे उल्टा करेंगे उल्टे साइड आ गए हैं हम अब हम यहाँ पर देखिए धागा लेंगे और यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे एक दो तीन चार पकड़ेंगे एक साथ सभी धागों को निकाल लेंगे और फिर इस धागे से भी हम इसे कंप्लीट करेंगे एक चेन लेंगे फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे एक दो तीन चार एक साथ कंप्लीट किया धागे को पकड़ेंगे देखिए इस तरह से यहाँ पर फिर से हमने ये दो पफ बनाए अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दस डबल क्रोशिया है, अब इन यहाँ पर हम उल्टी साइड है तो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे दस पर हम आठ बनाएंगे, एक पहला ये छोड़ देंगे एक ये छोड़ देंगे और बीच में हमारे पास आठ है तो इन आठ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ हमने हाँ बना लिया अब फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, तो पफ बना लेते हैं देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी ये पत्ती मुड़ कर आई है अब ये हमारे पास आठ है फिर हम इस राउंड में बनाएंगे तो एक ये छोड़ेंगे एक ये छोड़ेंगे तो बीच में हमारे पास ये छः बच जाएंगे फिर नेक्स्ट राउंड में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास चार होंगे तो ये हम दो रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे, आगे आपको बताएंगे देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है एक राउंड और बना लिया था चार के ऊपर हमने यहाँ पर दो बनाया है देखिए इस तरह से हमारी ये पत्ती बनी है और अब देखिए हम इसके एंड में हैं तो हम इसका एंड करेंगे तो यहाँ पर हम पहले दो चेन बनाएंगे एक दो देखिए दो चेन हमने बना ली है अब हम देखिए इसकी रोंग साइड में है यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे दो चेन लेने के बाद हम यहाँ पर चार बार धागा लेंगे एक दो तीन चार चार बार हमने धागा लिया है इसे हम कंप्लीट नहीं करेंगे धागा लेंगे और नेक्स्ट पफ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी हम चार बार लेंगे एक दो तीन चार चार बार लिया है इन सभी को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से और एक चेन लेंगे और धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे देखिए अब हम इस धागे को पीछे निकाल लेंगे इस तरह से पफ के अंदर से हम पफ के जो जितने भी धागे हैं इनके अंदर से हम इस तरह से धागे को निकाल लेंगे पीछे की तरफ और देखिए इस तरह से ये हमारी एक पत्ती बनकर कंप्लीट हुई देखिए अब हम इसमें दूसरी पत्ती बनाएंगे और वो कैसे स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ये जो हमने तीन पफ बनाए थे एक पफ में तो हमने यहाँ पर बनाते हुए चले गए थे तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे पहले देखिए दो चेन बनाएंगे और धागा लेकर फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार हमने धागा लिया है इस धागे को हम यहाँ पर पकड़ेंगे और इसे इस तरह से कंप्लीट करेंगे फिर हम इस धागे को हुक पे लेंगे और इसे भी हम बनाकर इस तरह से कंप्लीट करेंगे एक चेन लेंगे और फिर से हम सेम प्लेस पर फिर से हम एक पफ बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार लिया धागा पकड़ेंगे और इसे हम एक साथ कंप्लीट करेंगे फिर इस धागे को लेंगे और इसे भी हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से देखिए ये हमारी नेक्स्ट पत्ती स्टार्ट हो गई है अब हम इसमें धागा लेंगे और यहाँ पर ये यह देखिए इस डबल क्रोशे को हम छोड़ देंगे यहाँ पर हमारे पास बारह बैक पोस्ट है तो हमने दस बनाने हैं पहले को हम छोड़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक दो तो इस तरह से हम देखिए ये हमारे यहाँ पर दस बना लेते हैं देखिए हमने यहाँ पर ये दस बैक पोस्ट बना लिए हैं एक हमने स्टार्टिंग का छोड़ दिया है और एक हमने लास्ट का छोड़ दिया है अब हम इस पर बनाएंगे एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बनाएंगे। पफ बनाएंगे। एक दो तीन चार धागा पकड़ेंगे इन सभी को एक साथ कंप्लीट करेंगे फिर धागे को क्रोशे हुक पर लेंगे और इस तरह से बनाएंगे एक चेन लेंगे फिर से नेक्स्ट पफ बनाएंगे एक दो तीन चार धागा पकड़ेंगे एक साथ बनाएंगे देखिए इस तरह से दो चेन लेंगे धागा लेकर इसे टर्न करेंगे और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे तो देखिए सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने पहली पत्ती बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे हम और बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे देखिए इस तरह से ही हम यहाँ पर जैसे हमने ये अलग अलग पत्ती बनाई थी सेम वैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे और ये देखिए ये हमारे पास अब दस है तो ये आठ हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में छः फिर चार फिर दो और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे तो बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं जैसे हमने ये पत्ती बनाई है सेम ऐसे ही हम अपनी ये चारों पत् पाँचवीं पत्ती ये है तो ये हम चार पत्तियाँ और भी इसी तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद फिर आपको इसका लुक दिखाएंगे कि बनने के बाद ये कैसे आई है तो बना लेते हैं देखिए ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए स्टार सेप में कुछ इस तरह से दिखाई देगी अब हम इसके लास्ट राउंड में हैं और लास्ट राउंड हम कैसे बनाएंगे तो चलिए बना लेते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर किनारे करेंगे तो बनाते हैं देखिए ये जो हमने दो लूप बनाए थे इनके बीच में ये जो चेन दिखाई देगी यहाँ पर हम धागा ज्वाइंट करेंगे और देखिए तीन दो चेन बनाएंगे एक दो और फिर इसी धागे के अंदर हम यहाँ पर लूप बनाए लेंगे एक पफ बनाना है हमने यहाँ पर दो हो गए फिर से बनाएंगे तीन हो गए एक बार और लेंगे तो ये टोटल हमारे चार हो जाएंगे इन्हें हम एक साथ कंप्लीट करेंगे अब देखिए ये दोनों पफ के बीच में हमारे पास यहाँ पर देखिए एक स्पेस है यहाँ पर हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच किया हमने अब हम फिर से दो चेन लेंगे और यहाँ पर हम फिर से पफ बनाएंगे एक बार बनाया दो फिर से बनाएंगे तीन फिर से धागा लेंगे चार इसे हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम यहाँ पर फिर से स्लीव स्टिच करेंगे और देखिए ये हमने इसे स्लिप स्टिच किया फिर से हम एक दो धागा लेंगे और पफ बनाएंगे एक बार बना लिया फिर ये दो हो गए तीन और चार चार बार लिया इसे हम कंप्लीट करेंगे फिर हम इसे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे फिर एक बार हम यहाँ पर पफ बनाएंगे एक बार यहाँ पर फिर यहाँ पर आने के बाद आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाना है तो यहाँ तक बना लेते हैं देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम बीच में इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और फिर से हम पफ बनाएंगे देखिए अब हमने इसे ज्वाइंट किया दो चेन बनाएंगे और पफ बनाएंगे यहाँ पर एक दो तीन चार कंप्लीट करेंगे और अब देखिए इसे हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे देखिए इस तरह से स्लीव स्टिच करना है और फिर से हम यहाँ पर पफ बनाएंगे। सेम जैसे हमने यहाँ पर बनाया है पूरे राउंड में हम इसी तरह से पफ बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ड्रेस हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और देखिए कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनी है उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू